हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फेनोलॉप मूवी को। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका फेस थोड़ा पिक जैसा दिखाई देता है और अपने इस फेस की वजह से उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वो कैसे इस अभिशाप से बाहर निकलती है, ये सब जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रॉयल फैमिली दिखाई जाती है जिनका शहर में काफी नाम और रुतबा होता है और इस फैमिली को लोग विलन के नाम से जानते हैं। विलन फैमिली के एक सदस्य को, जिसका नाम राल्फ होता है, उसे अपनी एक मेड से प्यार हो जाता है। और जब राल्फ अपने प्यार के बारे में अपनी फैमिली को बताता है और बोलता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो राल्फ के घर वाले राल्फ का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि अब तू अपने ही घर की एक नौकरानी से शादी करेगा, इससे हमारा समाज में क्या नाम रह जाएगा। और ये बोलकर काफी हंसते हैं वो लोग, जिससे राल्फ को खुद पे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसलिए वो अपने घर वालों के अनुसार एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और ये सदमा वो मेड सहन नहीं कर पाती क्योंकि वो राल्फ के बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो इसलिए वो सुसाइड कर लेती है। और जब ये बात उस मेड की माँ को पता चलती है तो वो विलन फैमिली को एक अभिशाप देती है और बोलती है कि जब भी तुम्हारी फैमिली में कोई लड़की पैदा होगी तो उसे भी रिजेक्शन और पेंस का सामना करना पड़ेगा और उसका चेहरा एक पिक की तरह होगा और मेरा ये अभिशाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई लड़का उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करके उससे शादी ना कर ले। और फिर 5 जनरेशन तक विलन फैमिली में बस लड़के ही पैदा होते हैं, लेकिन 6th जनरेशन में उनके यहाँ एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम पेनेलोप होता है और इस लड़की का फेस पिक जैसा होता है जिसे देखकर उसकी माँ काफी डर जाती है और अपनी लड़की का फेस देखकर काफी रोती भी है। जिसके बाद जेसिका अपनी बेटी की नोज की सर्जरी करवाने का डिसाइड करती है, पर डॉक्टर उसकी बेटी के नोज का एक्सरे देखकर सर्जरी करने से मना कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं इसमें पेनेलोप की जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है कि विलन फैमिली की एक लड़की का फेस पिक की तरह है, जिस वजह से उस शहर के मीडिया रिपोर्टर्स उस लड़के की फोटो लेके अखबार में पब्लिश करना चाहते थे, पर जेनेरिक पेनेलोप को घर से लेके बाहर ही नहीं जाती थी ताकि कोई भी मीडिया रिपोर्टर उसकी फोटो ना ले पाए। पर एक मीडिया रिपोर्टर चुपके से जेसिका के घर आ जाता है, पर जेसिका उसे देख लेती है और उसे देखते ही उसकी एक आंख फोड़ देती है। जेसिका ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो रिपोर्टर पेनेलोप की फोटो क्लिक करने आया था, जिसके बाद से जेसिका पेनेलोप को मैंसन के अंदर ही रखती है और उसके लिए सारी चीजें वहीं अवेलेबल करवाई जाती है, यहाँ तक कि उसकी एजुकेशन भी उसके मैंसन में ही की जाती है। और फिर पेनेलोप 20 साल की हो जाती है जब उसकी शादी का समय आ जाता है, जिसके बाद जेसिका एक मैरिज ब्यूरो ब्रोकर को बुलाती है ताकि वो पेनेलोप की शादी करवा सके। और जो भी लड़का पेनेलोप को देखने आए वो सबके सब पेनेलोप का फेस देखकर उल्टे पैर भाग जाते हैं और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहता है और बेचारी पेनेलोप को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पर उन सभी लड़कों के वापस जाते समय उनसे एक एग्रीमेंट पर साइन कराया जाता है और एग्रीमेंट पर लिखा होता है कि वो मैंसन से बाहर जाके किसी से भी पेनेलोप के फेस के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही मैंसन की कोई भी बातें डिस्क्लोज करेंगे। फिर एक दिन एक टेढ़ा लड़का पेनेलोप को देखने आता है जो कि पेनेलोप को देखता जरूर है, लेकिन वो भी उल्टे पैर भाग जाता है बिना एग्रीमेंट पे साइन किए हुए और सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में रुकता है और वहाँ जाके कंप्लेन करता है कि विलन फैमिली में एक पिग जैसी दिखने वाली लड़की रह रही है। पर पुलिस वाले उसकी इस बात को नहीं मानते और उसे उठाकर एक रात के लिए जेल में डाल देते हैं। फिर अगले दिन एडवर्ड के नाम की अखबार में खबर छपी होती है कि एडवर्ड की दिमागी हालत सही नहीं है क्योंकि वो एक इंसान को पिग कह रहा है। एडवर्ड उसी लड़के का नाम होता है जिसको पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया था। अब एडवर्ड अपनी खबर पढ़कर उसी न्यूज रिपोर्टर के पास जाता है जिसने ये खबर छापी थी, जहाँ जाके वो रिपोर्टर से बोलता है मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं इस शहर का होने वाला मेयर हूँ और मैंने सच में लड़की के फेस में एक पिग को देखा है। और जब एडवर्ड ये सब कुछ बोल रहा होता है तो बाहर खड़ा एक रिपोर्टर उसकी ये बात सुन लेता है और उसकी इन बातों को सच भी मान लेता है। असल में ये रिपोर्टर वही होता है जो पेनेलोप की फोटो लेने उसके मैंसन गया होता है जहाँ जेसिका ने उसकी आंख फोड़ दी थी, जिसके बाद वो रिपोर्टर एडवर्ड के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और प्लान के बाद वो लोग एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जिसे पैसे की जरूरत हो, जिसके बाद ये दोनों लोग एक कसीनो जाते हैं जहाँ इन्हें मैक्स नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो कि दिखने में काफी स्मार्ट होता है पर उसे गंदी वाली गैम्बलिंग की आदत होती है। जिसके बाद रिपोर्टर मैक्स को सारी प्लानिंग समझा देता है और बोलता है कि तुम्हारे इस कोर्ट के अंदर एक कैमरा छुपा है और जब भी तुम अपना हाथ ऊपर करोगे सामने खड़े हुए इंसान की फोटो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। फिर मैक्स भी और लड़कों की तरह पेनेलोप से शादी करने के बहाने मैंसन के अंदर जाता है, जहाँ पेनेलोप देखता है कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लड़के मौजूद हैं और वो सभी लड़के पेनेलोप के रिश्ते के लिए आए हुए थे। पर थोड़ी दोस्तों आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए एक प्यारा सा तोहफा,
दोस्तों अगर आप लोग दुनिया और संसार के फैक्ट्स और नॉलेजेबल चीजों को जानना चाहते हो जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली आप हमारा सेकंड चैनल जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देर बाद पैनलिप का कैमरा अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है तो इसलिए वो उसको सही करने के लिए एक सोफे के नीचे लेट जाता है, पर तभी वहाँ पैनलिप आ जाती है और वो सभी लड़के पैनलिप का फेस देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और ये देखकर पैनलिप रोते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर मैक्स सोफे के पीछे से खड़ा होता है और देखता है कि यहाँ कोई नहीं है, पर तभी पैनलिप भी अपने वन वे मिरर की वजह से उस हॉल में मौजूद मैक्स को देख लेती है और वो सोचती है कि मैक्स ने मेरा फेस देख लिया है, फिर भी वो वहाँ से नहीं गया। फिर मैक्स हॉल में रखी एक बुक को उठाता है जिसे देखकर पैनलिप को ऐसा लगता है कि मैक्स उस बुक को चोरी कर रहा है, तो इस वजह से पैनलिप उसी बुक की दूसरी कॉपी मैक्स को ऑफर करती है, पर वो ये सारी बातें वन में मिरर के पीछे से ही कर रही थी, जिसके बाद मिरर के थ्रू ही ये दोनों लोग काफी देर तक बातें करते हैं। फिर पैनलिप मैक्स को अगले दिन भी आने के लिए इनवाइट करती है और ये सब कुछ देखकर पैनलिप के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं कि आखिर एक लड़का मिल ही गया जो पैनलिप से शादी करने के लिए तैयार है। और जब मैक्स बाहर निकलता है तो वो रिपोर्टर मैक्स से पूछता है कि फोटोज कहाँ है, जिस पर मैक्स बोलता है कि पैनलिप मुझसे मिलने के लिए बाहर ही नहीं आई, पर उसने मुझे कल फिर से मिलने के लिए बुलाया है तो मैं फोटोज तब क्लिक कर दूंगा। फिर जब नेक्स्ट डे मैक्स पैनलिप से मिलने के लिए उसके मैंसन जाता है तो वो वहाँ जाकर पियानो बजाने लगता है और वो जानबूझकर पियानो गलत बजाता है और ये देखकर पैनलिप बाहर आ जाती है और उसके हाथ पे हाथ रख के उसे पियानो बजाना सिखाने लगती है। पर जैसे ही मैक्स पीछे मुड़कर पैनलिप को देखता है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है, पर वो और लड़कों की तरह भाग नहीं जाता। फिर मैक्स पैनलिप की नोज को टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसके कोट में रखे कैमरे में पैनलिप की फोटो क्लिक हो जाती है और उसकी आवाज सुनकर मैक्स के मुंह से ओ सिट निकल जाता है। इससे पैनलिप को लगता है कि मैक्स ने ओ सिट मेरी वजह से कहा है, तो इसलिए पैनलिप रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। पर मैक्स मिस अंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए पैनलिप को आवाज लगाता है पर वो नहीं आती, जिस वजह से मैक्स भी चला जाता है। पर उसकी मॉम मैक्स को रोकने के लिए बाहर तक आती है जहाँ वो मैक्स को उसी रिपोर्टर से बात करते हुए देखती है तो जैसिका समझ जाती है कि मैक्स इस रिपोर्टर का आदमी है और ये डेफिनेटली पैनलिप की फोटो लेने आया था। पर मैक्स उस कैमरे को रिपोर्टर को देने की बजाय जमीन पे दे मारता है और कैमरे को तोड़ देता है, जिसके बाद मैक्स दोबारा से मैंसन में वापस जाता है और वहाँ सबको बताता है कि वो कोई जासूस नहीं है, जिसके बाद पैनलिप बोलती है कि मेरे ऊपर एक अभिशाप है और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मेरा ये अभिशाप उतर जाएगा, पर मैक्स उससे शादी करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से पैनलिप और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसी रात वो अपना मैंसन छोड़ के घर से भाग जाती है और जाके एक होटल में रहने लगती है। पर ये बात भी रिपोर्टर को पता चल जाती है कि पैनलिप अपने घर से भाग गई है, जिस वजह से वो एडवर्ड के साथ एक स्केच आर्टिस्ट के पास जाता है और उससे पैनलिप की फोटो बनवाता है ताकि वो पैनलिप की फोटो को इनाम के साथ पूरे शहर में छाप सके और जो कोई इंसान भी पैनलिप को देखे वो इस रिपोर्टर को इन्फॉर्म कर दे। पर एडवर्ड पैनलिप की इमेज से इतना डरा हुआ था कि वो पैनलिप की एक बहुत डरावनी फोटो बनवा देता है और पैनलिप भी अपने इस फोटो को देखकर रिपोर्टर को खुद की एक अच्छी पिक देने का डिसाइड करती है। फिर पैनलिप रिपोर्टर को कॉल करती है और इनाम के बदले में उसे अपनी फोटो देने का प्रॉमिस करती है, जिसके बाद पैनलिप अपना एक फोटो उस रिपोर्टर को दे देती है और पैनलिप की फोटो देखकर रिपोर्टर को खुद पे शर्म महसूस होती है क्योंकि पैनलिप इतनी बुरी नहीं दिखती थी जितनी बुरी इमेज एडवर्ड ने पैनलिप की बनवाई थी। फिर जब मैक्स भी पैनलिप की फोटो अखबार में देखता है तो उससे इंस्पायर होकर वो गैम्बलिंग छोड़ देता है, जिसके बाद पैनलिप की मुलाकात एक एनी नाम की लड़की से होती है जहाँ वो दोनों लोग काफी बातें करते हैं और बातों बातों में एनी पैनलिप को बताती है कि मेरे कान थोड़े अजीब से हैं, मैं दुनिया के सामने आने से नहीं डरती और खुल के अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ, और वैसे भी वो पैनलिप नहीं है क्योंकि एनी ने भी पैनलिप के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था और पैनलिप भी एनी की इस बात से काफी इंस्पायर होती है, जिसके बाद ये दोनों लोग घूमने निकल जाते हैं। फिर जब एक जगह पैनलिप घूम रहे थे तो जेसिका और पैनलिप के डैड पैनलिप को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और पैनलिप भी अपने मॉम एंड डैड को देख के वहाँ से भाग जाती है और वो एक बार में जाके बेहोश हो जाती है, जहाँ एनी इस बार पैनलिप का मास्क हटा देती है और मास्क हटाने के बाद देखती है कि यही लड़की पैनलिप है, जिसके बाद जेसिका पैनलिप को घर ले आती है। पर उनके घर के बाहर मीडिया और रिपोर्टर्स की काफी ज्यादा भीड़ थी, पर इस बार पैनलिप एक ब्रेव गर्ल की तरह बिना मास्क पहने हुए उन सभी लोगों के सामने आई और उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का आंसर देती है और पैनलिप
पहनेलिपि के इस अंदाज को पब्लिक काफी ज्यादा पसंद करती है, जिस वजह से पहनेलिपि रातों रात पूरे शहर में फेमस हो जाती है। अब एडवर्ड के फादर एडवर्ड को पहनेलिपि से शादी करने को बोलते हैं, क्योंकि अब पब्लिक पहनेलिपि के साथ थी और वो उसका यूज करके इस शहर के मेयर बनना चाहते थे। लेकिन एडवर्ड पहनेलिपि से शादी करने के लिए मना करता है, लेकिन अपने डैड के प्रेशर की वजह से उसे पहनेलिपि से शादी करने के लिए मानना पड़ता है। फिर एक दिन पहनेलिपि मैक्स से एक बार में मिलती है, जहां मैक्स पहनेलिपि को सारा सच बताना चाहता है, पर पहनेलिपि उससे गुस्सा होने की वजह से वहां से चली जाती है। फिर यहां दूसरी तरफ एडवर्ड पहनेलिपि के घर उसका रिश्ता लेकर जाता है, जहां पहनेलिपि उससे शादी करने से मना कर देती है, पर जैसिका पहनेलिपि को मना लेती है। फिर जब पहनेलिपि और एडवर्ड की पार्टी चल रही थी तो वहां मैक्स आता है। मैक्स पहनेलिपि को एडवर्ड की सारी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन एडवर्ड मैक्स को पकड़ के साइड में ले जाता है और उससे बोलता है कि पहनेलिपि से कोई भी लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है, पर अब मैं उससे शादी कर रहा हूँ ताकि वो अपने अभिशाप से मुक्त हो जाए, और अगर अब मैं उससे शादी करने से मना कर दूंगा तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और एडवर्ड की ये बात सुन के मैक्स वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ रिपोर्टर मैक्स से मिलने जाता है, क्योंकि रिपोर्टर को पता होता है कि मैक्स भी पहनेलिपि से सच्चा प्यार करता है, जिसपे मैक्स बोलता है कि मैंने पहनेलिपि से शादी करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मेरा ब्लू ब्लड ग्रुप नहीं है। पर पहनेलिपि का अभिशाप तभी टूटेगा जब उससे कोई ब्लू ब्लड ग्रुप वाला लड़का शादी करेगा। जिसके बाद रिपोर्टर पहनेलिपि की शादी में जाता है, जहां वो जेसिका और बेंड्रा को मैक्स का सारा सच बताती है, और ये सुनकर बेंड्रा का दिल पिघल जाता है और वो जेसिका को बोलती है कि हमें इस बारे में पहनेलिपि को बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैक्स का ब्लड ग्रुप ब्लू नहीं है तो शायद इसीलिए उसने पहनेलिपि से शादी करने से मना किया हो। पर जेसिका पहनेलिपि को कुछ भी बताने से मना कर देती है, पर यहां पहनेलिपि भी अपनी शादी से खुश नहीं थी तो इसलिए वो शादी के मंडप से भाग जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है, अपना अभिशाप तोड़ने के लिए एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे वो पसंद नहीं करती। जिसके बाद एक जगह खड़े होकर पहनेलिपि खुद से बोलती है कि वो जैसी है बहुत अच्छी है, सुंदर है, स्मार्ट है, और ये बोलते ही पहनेलिपि बेहोश हो जाती है। और जैसे ही पहनेलिपि होश में आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा फेस अब सही हो चुका था, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का यही अभिशाप था। तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे कि तुम हो, और अब पहनेलिपि ने खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लिया था तो इसलिए अब वो अभिशाप मुक्त हो गई थी। और फिर इनके मेंशन में इनका नौकर बटलर, जो कि 25 साल से इनके मेंशन में नौकर था, वो अपनी नौकरी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं उस मेड की माँ थी जो 25 साल से इन लोगों पर नजर रखी हुई थी। फिर एक दिन हेलोवीन पार्टी में पहनेलिपि को वो रिपोर्टर वाली लाई हुई फाइल मिलती है, जो वो बेंड्रा और जेसिका को बताने के लिए लाया था, जिसे देखकर पहनेलिपि सब कुछ समझ जाती है कि मैक्स उससे कितना प्यार करता है। उसी हेलोवीन पार्टी में जाती है जहां मैक्स होता है, पर पहनेलिपि वहां एक मास्क लगाकर जाती है जिससे मैक्स उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन वो उसकी बातों से पहचान लेता है कि ये पहनेलिपि है। फिर जब पहनेलिपि मैक्स से बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है तो मैक्स पहनेलिपि को पकड़ के उसे जोरदार किस करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। और इसी शानदार सीन के साथ इस मूवी का एंड यही हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम जैसा और कोई नहीं है। जो क्वालिटी और जो खूबी हम में है वो भगवान ने किसी और में नहीं दी है, तो इसलिए खुद पे यकीन रखो और जैसे हो खुद को वैसा स्वीकार करो।